बिहार में एक तरफ जहां कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा, वहीं दूसरी तरफ निजी अस्पतालों द्वारा लगातार कोरोना मरीजों के इलाज के लिए मनमाने रुपए वसूले जाने की खबरें सामने आ रही है। ऐसे में निजी अस्पताल संचालकों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। नीतीश सरकार ने सूबे के सभी निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज का रेट फिक्स कर दिया। सरकार ने मरीजों की स्थिति को तीन कैटेगरी में बांटते हुए रेट निर्धारित किए, साथ ही इसका पालन हो इसके लिए टीम गठित की गई। ये टीम निजी अस्पतालों में निर्धारित राशि से अधिक की मांग और दवा की उपलब्धता और निर्धारित दर से अधिक से संबंधित शिकायतों की जांच करेगी और अनियमितता पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और द एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897 के तहत कठोर कार्रवाई करेगी। बिहार सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए तीन रेट निर्धारित किए। सरकार द्वारा जारी रेट लिस्ट के मुताबिक NABH मान्यता के अस्पताल में साधारण बीमार यानी आइसोलेशन बेड और ऑक्सीजन के साथ सपोर्टिव केयर के लिए ₹10,000, वहीं बिना NABH मान्यता के अस्पताल के लिए ये राशि ₹8,000, वहीं गंभीर बीमार यानी वेंटिलेटर के बिना ICU में देखभाल के लिए NABH मान्यता के अस्पताल में ₹15,000 और वहीं बिना NABH मान्यता के अस्पताल में ₹13,000, वहीं अति गंभीर बीमार यानी वेंटिलेटर के साथ ICU में देखभाल के लिए NABH मान्यता के अस्पताल में ₹18,000 और बिना NABH मान्यता के अस्पताल में ₹15,000 तय किए गए। इतना ही नहीं, बिहार के सभी जिलों को सरकार ने तीन श्रेणियों में ABC में बांटा है। श्रेणी ए में पटना है तो वहीं श्रेणी बी में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, पूर्णिया और श्रेणी सी में अन्य जिले हैं। वहीं इन तीनों श्रेणियों के मुताबिक निजी अस्पतालों के रेट लिस्ट में थोड़ा अंतर है। श्रेणी ए में जहां NABH मान्यता के अस्पताल में साधारण बीमार यानी आइसोलेशन बेड और ऑक्सीजन के साथ सपोर्टिव केयर के लिए ₹10,000 थे, वहीं श्रेणी बी में इसके लिए ₹8,000 और श्रेणी सी में ₹6,000, वहीं बिना NABH मान्यता के अस्पताल के लिए ये राशि श्रेणी बी में ₹6,400 और श्रेणी सी में ₹4,800 है। वहीं गंभीर बीमार यानी वेंटिलेटर के बिना ICU में देखभाल के लिए जहां श्रेणी ए में NABH मान्यता के अस्पताल में ₹15,000 थे, वहीं श्रेणी बी में इसके लिए ₹12,000 और श्रेणी सी में ₹9,000 और बिना NABH मान्यता के अस्पताल के लिए ये राशि श्रेणी बी में ₹10,400 और श्रेणी सी में ₹7,800 है। वहीं अति गंभीर बीमार यानी वेंटिलेटर के साथ ICU में देखभाल के लिए जहां श्रेणी ए में NABH मान्यता के अस्पताल के लिए ₹18,000 थे, वहीं श्रेणी बी में इसके लिए ₹14,400 और श्रेणी सी में ₹10,800, वहीं बिना NABH मान्यता के अस्पताल के लिए श्रेणी बी में यह राशि ₹12,000 और श्रेणी सी में ₹9,000 है। गौरतलब है कि बिहार में संक्रमण इन दिनों बड़ी तेजी से पांव पसार रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में कुल 15,126 नए मरीज मिले। ऐसे में राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,15,151 हो गई। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से 90 लोगों ने जान गंवाई। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से जिन 90 मरीजों की मौत हुई, उनमें पटना में 29, मुजफ्फरपुर में 9, भागलपुर में 8, दरभंगा और नालंदा में 6, मधुबनी में 5, मुंगेर सीतामढ़ी में 3, अररिया, बांका, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण और सारण में 2, वहीं अरवल, भोजपुर, कटिहार, लखीसराय, मधेपुरा, नवादा, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, शिवहर, सुपौल और वैशाली में 1-1 मरीज की मौत हुई।